वो कहते हैं ना कि एक इनोवेटिव आइडिया किसी की भी जिंदगी बदल सकता है। ऐसा ही आज हम आपके होश उड़ा देने वाली चीज के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में शायद कभी किसी ने सोचा ना हो। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे अनोखे आइडिया की, जिसकी वजह से कबाड़ हो चुका एयरप्लेन को खरीदने के बाद उस प्लेन से ऐसी चीज बना दी कि अब लोग उसका अनुभव करने के लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या है उस प्लेन में जो लोग इसके लिए इतने उतावले हो रहे हैं। रिसर्च के मुताबिक इंडोनेशिया के बाली में एक बीच है जिसका नाम है नयांग नयांग। इस बीच के पास ही बने 500 फीट ऊंचे रिज पर एक हवाई जहाज खड़ा नजर आता है। ये प्लेन एक वक्त में कबाड़ की तरह बिकने वाला था, मगर एक रशियन एंटरप्रेन्योर फेलिक्स डेमिन ने इस विमान को खरीदा और इसकी मरम्मत करवा के ट्रक और क्रेन की मदद से इस प्लेन को ऐसी जगह रखवा दिया जहां से हर कोई इसे देख पाए और इसके व्यूज का लुफ्त उठा पाए। फिर इसके बाद इस प्लेन को स्टेन विला में कन्वर्ट कर दिया गया। अब ये प्लेन प्राइवेट जेट विला के नाम से जाना जाता है। चलिए अब हम बताते हैं कि प्लेन की खासियत के बारे में। इस प्लेन कम होटल में दो अलग अलग बेडरूम, प्राइवेट बार एरिया, एक लिविन एरिया और किचन है, और इसके साथ ही दो अलग अलग बाथरूम्स भी हैं। इस प्लेन में एक स्विमिंग पूल भी है। आपको बता दें कि इस होटल में बस एक रात रुकने की कीमत करीब 6 लाख रुपए है। जी हाँ, इस प्लेन का लुफ्त उठाने के लिए आपको एक काफी बड़ी रकम भरनी पड़ेगी। लेकिन कुछ भी कहो, एक खंडर में पड़ा हवाई जहाज को एक विला में तब्दील करने का आइडिया वाकई में काफी यूनिक कॉन्सेप्ट है।